हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू कैमरा टेक के चैनल। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो होने वाली हमारे नए एडिशनल कैमरा के बारे में, जो है Insta360 X3। तो GoPro DJI और Insta360 में से हमने Insta360 को क्यों चुना, इसका एक सिंपल सा रीजन है, वो इसका 360 फीचर जो आपको बाकी ब्रांड्स में देखने को नहीं मिलता है। ओवरऑल भी इसके फीचर्स काफी अच्छे हैं जो हमें हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कंपैटिबल लगे। तो देखते हैं इसमें हमें क्या क्या नए ऑप्शंस मिलने वाले हैं और कैसा होने वाला है हमारा ये नया एक्शन कैमरा। सबसे पहले हमें बॉक्स में देखने को मिलता है Insta360 X3 कैमरा, साथ में इसमें आपको एक बैटरी, एक टाइप सी चार्जिंग केबल, कवर केस, एक क्लीनिंग क्लॉथ, वारंटी कार्ड और सेफ्टी के कुछ कागज। ये एक स्टैंडर्ड पैक है इसलिए इसमें आपको ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिलता है, वरना आपको कॉम्बो पैक में काफी एक्सेसरीज देखने को मिलती है। तो स्टार्ट करते हैं कैमरा के बाहर के डिजाइन से कि इसमें आपको क्या क्या देखने को मिलने वाला है। तो आपको दो कैमरे देखने को मिलते हैं जो सेम साइज के हैं दोनों साइड से, और एक 2.29 इंच का टच स्क्रीन LCD डिस्प्ले जो फिक्स्ड है। फिर आपको माइक्रोफोन यानी कि माइक देखने को मिलते हैं कैमरे के दोनों साइड में, और एक डिस्प्ले के नीचे और एक कैमरे के नीचे। कैमरे के ही राइट साइड में आपको माइक के नीचे स्पीकर भी देखने को मिल जाएगा, और लेफ्ट साइड के माइक के नीचे आपको टाइप सी चार्जिंग स्लॉट मिल जाता है जिसपे आप केबल को कनेक्ट करके चार्ज कर सकते हैं। फिर चार्जिंग स्लॉट से थोड़ा नीचे आपको एक बैटरी स्लॉट मिलता है, इसमें आपको दोनों बटन्स को एक साथ अंदर की तरफ दबाना होता है ताकि ये खुल जाए और फिर आप बैटरी को बाहर निकाल सकते हैं। इसी स्लॉट के अंदर आपको एक मेमोरी कार्ड स्लॉट भी मिलता है, तो मतलब जब भी आपको मेमोरी कार्ड को बाहर निकालना है या लगाना है तो उससे पहले आपको बैटरी को निकालना पड़ेगा। और एक इंपॉर्टेंट बात कि जब भी आप बैटरी या चार्जिंग स्लॉट को बंद करेंगे तो बंद करने के बाद चेक करें कि जो बटन्स हैं उनमें ऑरेंज कलर की कोई लाइन दिख तो नहीं रही, क्योंकि अगर ये ऑरेंज कलर दिखता है तो मतलब आपका स्लॉट ढंग से बंद नहीं हुआ है, और अगर ऐसे ही आप इसे पानी में यूज़ कर लेते हैं तो ये वाटरप्रूफ नहीं रहेगा और ख़राब हो सकता है, इसलिए हर बार ढंग से चेक करें कि ऑरेंज कलर की लाइन बटन्स में ना दिखे। ये तो था कैमरा स्लॉट और बाहर के डिज़ाइन के बारे में, अब करते हैं इसे ऑन। ये रहा ऑन का बटन जिसे आपको 2 सेकंड तक दबा के रखना है ऑन करने के लिए, और ऑफ करने के लिए भी आपको इसको 2 सेकंड तक दबा के रखना है। ऑन होने पर आपको दो इंडिकेटर्स में ये ब्लू लाइट जलती हुई दिखेगी। तो डिस्प्ले ऑन होते ही आपको कुछ आइकन्स दिखने लगेंगे, तो बात करते हैं कि ये किस चीज़ के लिए होते हैं। तो टॉप राइट में है बैटरी आइकन और टॉप लेफ्ट में है मेमोरी कार्ड आइकन, और ये जो नंबर है वो है कि आप अभी और कितनी देर तक रिकॉर्ड कर सकते हैं। फिर है नीचे राइट साइड में कैमरा रोटेशन यानी कि फ्रंट कैमरा या बैक कैमरा सेलेक्ट करने का बटन। नेक्स्ट है नीचे लेफ्ट साइड में ही मोड साइन, इसमें भी आपको 2 ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे ये अभी सिंगल लेंस मोड में है तो इसमें आप सिर्फ एक डायरेक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हैं, और आपको इसमें फोटो, वीडियो, मी मोड, लूप रिकॉर्डिंग, बस ये 4 ऑप्शंस मिलते हैं। और अगर आप इसका सेकंड मोड 360 मोड सेलेक्ट करते हैं तो आपको फोटो, HDR फोटो, वीडियो, HDR वीडियो, टाइम लैप्स, टाइम शिफ्ट, बुलेट टाइम, लूप रिकॉर्डिंग, स्टार लैप्स, बर्स्ट मोड, इंटरवल, ये 11 ऑप्शंस मिलते हैं। अभी इन मोड्स के बारे में हम इस वीडियो में बात नहीं करेंगे। एक आइकन और है जहां आप इन मोड्स की सेटिंग को चेंज कर सकते हैं, ये रहा वो। यहां आपको फोटो मोड में रेजोल्यूशन और टाइम चेंज का ऑप्शन मिलता है, 72MP और 18MP रेजोल्यूशन, और 3, 5, 10 और 15 सेकंड टाइमर ऑप्शन। HDR फोटो में आप सिर्फ टाइमर चेंज कर सकते हैं और सिर्फ 18MP रेजोल्यूशन मिलता है। वीडियो में आपको 3 रेजोल्यूशन मिलते हैं, 5.7K, 30, 25 और 24 FPS के साथ, और 4K, 60, 50, 30, 25 और 24 FPS के साथ, और लास्ट 3K, 100 FPS के साथ। और HDR मोड में आप सिर्फ 5.7K, 30, 25 और 24 FPS में ही शूट कर सकते हैं। 360 मोड में आपको एस्पेक्ट रेशियो ऑप्शन नहीं मिलेगा, इसलिए आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, ये आपको सिर्फ सिंगल लेंस मोड में मिलेगा, जो वीडियो में 9:16 और 16:9 मिलता है, और रेजोल्यूशन आपको 4K, 30, 25 और 24 FPS, 3.6K, 60, 50, 30, 25 और 24 FPS, 2.7K, 60, 50, 30, 25 और 24 FPS, और 1080p, 60, 50, 30, 25 और 24 FPS मिलता है। और आप फील्ड ऑफ व्यू चेंज कर सकते हैं बाकी के ऊपर ऑप्शंस में से। फोटो में आपको 36MP और 9MP रेजोल्यूशन टाइमर के साथ, और एस्पेक्ट रेशियो 16:9, 1:1 और 9:16 मिलता है, और फील्ड ऑफ व्यू चेंज ऑप्शंस भी मिलते हैं। नेक्स्ट है कि अगर आप डिस्प्ले में ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ स्लाइड करते हैं तो आपको और भी सेटिंग इसमें देखने को मिलती है, जैसे वॉल्यूम एडजस्टमेंट, लाइट इंडिकेशन ऑन ऑफ, वाइब्रेशन ऑन ऑफ, क्विक कैप्चर ऑन ऑफ, ब्राइटनेस एडजस्टमेंट और बाकी सेटिंग आप यहां से चेंज कर सकते हैं। और अगर आप राइट से स्लाइड करते हैं लेफ्ट की साइड को तो आप ऑटो और मैनुअल सेटिंग चेंज कर सकते हैं, जैसे ISO, वाइट बैलेंस, रिकॉर्डिंग मोड, लॉग, स्टैंडर्ड, विविड और शटर स्पीड। लेफ्ट से स्लाइड करने पर आप रिकॉर्डिंग प्रीव्यू देख सकते हैं यानी कि जो आपने रिकॉर्ड किया है। टॉप लेफ्ट में आपको एक आइकन मिलता है जहां से आप फाइल को एक साथ देख सकते हैं, और टॉप राइट वाले आइकन से आप फाइल को डिलीट कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने के लिए आपको इस वाले बटन को एक बार दबाना है जिससे आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी, और एक बार और दबाना है जिससे रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाएगी।
और इसी के साइड में जो एक और बटन है उसको दबाने से आप 360 मोड से सिंगल लेंस मोड में जा सकते हैं या फिर सिंगल लेंस मोड से 360 मोड में जा सकते हैं। लास्ट बटन इस एक्शन कैमरा का जो पावर बटन के नीचे है वो है कस्टमाइज बटन। यहाँ आप सेटिंग जो आपने अभी रखी है उसको कस्टमाइज कर सकते हैं ताकि अगर आपको सेम सेटिंग बाद में यूज करनी है तो आप कस्टमाइज में जाके सेम सेटिंग को यूज कर सकते हैं। पावर बटन को आप एक और चीज के लिए यूज कर सकते हैं, जब आपको कैमरे को थोड़ी देर के लिए बंद करना है तो पावर बटन को एक बार दबाने से आप उसे ऑफ कर सकते हैं और एक बार दोबारा दबाने से उसे ऑन कर सकते हैं। तो ये था क्विक गाइड की क्या क्या चीजें किस किस तरीके से काम करती है Insta 360 X3 कैमरा में। तो अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और कैमरा टेक चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।